हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी आर्मी के अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम अभ्यास पेपर सेट 35 करेंगे। अभ्यास पेपर सेट 35, इसमें कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। 15% सामान्य ज्ञान के, 15% जो है वो सामान्य ज्ञान के होंगे, और 15% जो है वो सामान्य विज्ञान के होंगे, सामान्य विज्ञान। और हर एक प्रश्न पत्र के साथ, हर एक प्रश्न के साथ में हम आपको 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे। कुछ एक प्रश्न स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि भी जो रिपीट हो रहे हैं उनको ड्रॉप कीजिए। वो स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसका कारण है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको पहले से पता है तो उसके साथ में रिवाइज कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सिस्टम यही है कि हर एक प्रश्न पत्र को आपको उतने ही मन लगाकर करना है जितना कि पहला प्रश्न पत्र आपने किया था, और इस तरह से आपकी तैयारी होगी। तो देखिए भाई, प्रश्न पत्र नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है स्टूडेंट्स, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। और इसका ये पूछ ले कि भी कारण क्या है। कारण है स्टूडेंट्स CO2, इसके आवरण में CO2 ज़्यादा है। इसके शुक्र ग्रह का जो आवरण है चारों तरफ, उसमें CO2 ज़्यादा है, में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इस कारण से यह गर्म है। अब शुक्र की बात आ गई तो स्टूडेंट्स बता दें आपको, चमकीला भी यही है, मॉर्निंग स्टार या सुबह का तारा भी यही है, सुबह का तारा भी यही है, और शाम का तारा भी यही है, शाम का तारा भी यही है। पृथ्वी की बहन भी यही है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी इसको कहा जाता है। काफ़ी नाम है इसके, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और भाई यह स्टूडेंट्स सूर्य के चारों तरफ जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज। ये भी प्रश्न है, एक तो शुक्र और एक अरुण, दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, से सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, सौंदर्य का देवता, सबसे चमकीला, और भाई कोई उपग्रह नहीं, 225 दिन में परिक्रमा, ये क्वेश्चन जो है आपके शुक्र ग्रह से संबंधित है। 225 दिन में यह क्या करता है, परिक्रमा करता है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। और सौरमंडल का स्टूडेंट्स यह है, आकार की दृष्टि से देखें तो इसका जो स्थान है वो 6th है, और दूरी के अनुसार देखें तो इसका स्थान जो है वो 2nd है। ये दोनों रैंकिंग है, इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पता है आपको। पहले जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, बाहर के जो 4 ग्रह हैं वो बाहरी ग्रह होते हैं। तो ये बार बार बताया गया है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, चमकीले का कारण है CO2 का आवरण है, सुबह का तारा है, शाम का तारा है, पृथ्वी की बहन है, चमकीला है तो सुंदर दिखता है, सौंदर्य का देवता है, क्लॉकवाइज घूमता है, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं, 225 दिन में परिक्रमा करता है। तो ये आपके लेवल के क्वेश्चन थे भाई इसमें। नेक्स्ट है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। देखिए भाई, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके भाई पद्मावती बंदोपाध्याय, ये प्रथम एयर मार्शल महिला थी। नेक्स्ट, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स सुंदरवन बता दें आपको, सुंदरवन जो है एक डेल्टा है, और यहाँ पर बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। जिस तरह से काजीरंगा नेशनल पार्क की मैं आपको बताऊं
तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। और गिरी नेशनल पार्क की बताऊं तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरी नेशनल पार्क। इसी तरह से सुंदरवन जो डेल्टा है वो स्टूडेंट्स बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन स्टूडेंट्स कई बार ये पूछ लेता क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी नदियां बनाती हैं इसको, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियां इसको बनाती हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस राज्य में है स्टूडेंट्स, यह भारत के पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछ लेता है कौन सी राजधानी है, कोलकाता राजधानी है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। और कोलकाता किस लिए प्रसिद्ध है, हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता जो है वो हावड़ा ब्रिज के लिए भी प्रसिद्ध है, हल्दिया बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध है, हल्दिया बंदरगाह। पहली मेट्रो भी यहीं चली थी, हल्दिया बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। एक पहली मेट्रो कहाँ चली थी भारत की, कोलकाता में चली थी। पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कोलकाता में चली थी। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड है जो प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है यूएनओ का मुख्यालय, पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार रिपीट कीजिए चीज़ों को, पक्की हो जाएंगी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूएनओ का मुख्यालय, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए, यूएसए में जो है वो न्यूयॉर्क, वहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है। और इसका सचिव वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के सचिव कौन है स्टूडेंट्स, यूएनओ का महासचिव कौन है, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के महासचिव हैं। पूछ लेता है किस देश के हैं भाई, तो ये स्टूडेंट्स पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल देश की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पूछ लेता है कई बार पुर्तगाल देश की राजधानी कौन सी है, लिस्बन है, तो ये पुर्तगाल के हैं। इसके भाग कितने हैं यूएनओ के, यदि भाग की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स 6 भाग हैं इसके। इसकी भाषा कितनी है, 6 भाषाएं हैं। कार्यकारी भाषा कितनी है स्टूडेंट्स, 2 भाषाएं कार्यकारी भाषाएं हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो रिपीट कीजिए चीज़ों को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है। देखिए भाई प्रश्न है, इसको एक बार हम साफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों का भी, ताकि भला हो सके। तो देखिए ये इसने पृथ्वी के बारे में पूछ लिया है भाई, चंद्रमा की गति के बारे में पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपको बता दें गति प्रश्न है, सबसे आपका चंद्रमा पृथ्वी पर कितने, जो चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन में तो है 28 दिन, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। और यदि एग्जैक्ट पूछ ले तो 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के बाहर से चक्कर लगाता है। कई बार चंद्रमा का घूर्णन का समय पूछ लेता है, घूर्णन, तो घूर्णन भी कितना है, 27.3 दिन। इसका अभिप्राय क्या है बात का, बात का अर्थ है स्टूडेंट्स चंद्रमा का परिक्रमा और घूर्णन का समय एक है, 27.3 दिन। और इसी के कारण से हम पूर्णिमा को भी चंद्रमा का केवल 58% भाग ही देख पाते हैं। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कितने प्रतिशत दिखाई देता है, तो 58 से 59 या 57 से 59% भाग ही देखते हैं, पूरा चंद्रमा कभी नज़रे नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक मानक है, एक वाक्य हो गया कि आज पूर्णिमा है, चांद पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन चांद पूरा कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो ये इस तरह से घूर्णन का समय जो है वो और परिक्रमा का समय
एक है। कई बार चंद्रमा से जो हो प्रकाश पूछ लेता है, प्रकाश चंद्रमा से प्रकाश कितने समय में पूछता है, तो 1.3 सेकेंड है, 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रमा से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके, चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं, परावर्तित करता है सूर्य के प्रकाश को यह, और वह रिफ्लेक्ट होकर के कितने समय में आता है, 1.3 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट देखें यहाँ से स्टूडेंट्स, जो चंद्रमा है ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कई बार चंद्र ग्रहण की स्थिति पूछ लेता है, चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है वो क्या होती है, तो स्टूडेंट्स चंद्र ग्रहण कब होता है, मान लिया जाए ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, ये स्टूडेंट्स आपकी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चांद है, तो ये जो स्थिति है ये आपकी किसकी है, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है। कई बार सूर्य ग्रहण पूछ लेता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये चंद्रमा है, यहाँ पे ये सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी सूर्य ग्रहण की स्थिति है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण स्टूडेंट्स हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, सिंधु सभ्यता जो है वो आपकी सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कई बार प्रश्न पूछता है कि किस धातु का ज्ञान इनको नहीं था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा जो धातु है उसका ज्ञान नहीं था, लोहा धातु का ज्ञान यह है नहीं था। इसके बारे में कब पता चला था, तो स्टूडेंट्स 1921 में पता चला था। कौन सा जगह खोजी गई थी, तो हड़प्पा को खोजा गया था। किसने खोजा था स्टूडेंट्स, दयाराम साहनी ने खोजा था। आदेश किसने दिए थे, सर जॉन मार्शल, ये प्रश्न पूछा गया था, सर जॉन मार्शल कि सिंधु सभ्यता की खुदाई के लिए आदेश किसने दिए थे, सर जॉन मार्शल ने दिए थे। तो काफ़ी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सभ्यता कितने क्षेत्र में से फैली हुई थी, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में से यह सभ्यता फैली हुई थी। काफ़ी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो देखें भी क्या कहता है, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है, अधिक साक्षरता भारत के किस राज्य की अधिक साक्षरता है, तो आसान क्वेश्चन है केरल है, केरल की सबसे अधिक साक्षरता है 93.91%। कम पूछ ले, कम किसकी है, तो बिहार राज्य की साक्षरता जो है वो कम है, कम साक्षरता बिहार की है, अधिक साक्षरता केरल की है। कई बार स्टूडेंट्स लिंग अनुपात पूछ लेता है, लिंगानुपात किस राज्य का लिंग अनुपात अधिक है, तो यहाँ पर भी कौन सा है, केरल, लिंग अनुपात अधिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अधिक केरल का है। और यदि ये पूछ ले कम किसका है, तो कम स्टूडेंट्स हरियाणा। डेटा जो है आपको पता है 2011 के चलेंगे, 2021 में फिर से जनगणना होगी, 10 वर्ष में एक बार होती है, तो उसके बाद में नया हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे, डेटा आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष तक यही चलते हैं। अब देखें भाई क्या कहता है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, ये पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना होता है, भारत के लेवल पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक होता है, और गन्ना में ही नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में गेहूँ भी अधिक होता है, उत्तर प्रदेश में गुड़ भी अधिक होता है, गन्ना गुड़ ये उत्तर प्रदेश में अधिक होते हैं, दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, दूध जो है सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है,
और इसके बाद में किसी भी तरह की सीटें पूछ ले, लोकसभा सीटें सर्वाधिक किस राज्य की हैं, राज्यसभा सीटें सर्वाधिक किस राज्य की हैं, विधान परिषद की सीटें, विधानसभा की सीटें, तो ये सभी प्रश्नों का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी ये पूछ ले। तो देखिए भाई, लोकसभा की जो है सीटें वहां पर 80 हैं, और भाई आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये आपकी 30 है, और विधानसभा की सीटें कितनी है, वहां पर 403 है, और विधान परिषद की सीटें वहां पे 100 हैं। तो सभी तरह की सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही अधिक हैं। नेक्स्ट देखें भाई, क्या कहता है, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है, राज्य में विधानसभा को भंग कौन करता है। देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, तो कौन करता है, आंसर आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य में विधानसभा को भंग करता है। कई बार राज्यपाल की उम्र पूछ लेता है कि कितनी उम्र होती है, तो इसकी उम्र जो हो 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसको साफ कर लेते हैं एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एग्ज़ाम जो है आपका बिल्कुल नज़दीक है, मुश्किल से आज आपके 20 से 25 दिन ही बचते हैं। देखिए भाई, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ में है, सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है, किस देश के साथ है लगती है, तो आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा सबसे लंबी है, 4096 किलोमीटर। कई बार सेकंड नंबर पर पूछ लेता है, दूसरे नंबर पर किसके किसके साथ में सर्वाधिक है, तो चीन के साथ में दूसरे नंबर पर है, 3917 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दूसरा नंबर चीन के साथ में लंबी सीमा है, पहला नंबर जो है वो बांग्लादेश के साथ में है। चीन के साथ में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन। एक तो मैकमोहन है और एक स्टूडेंट्स LAC है, दोनों ही चीन और भारत के बीच में हैं, चीन और भारत दोनों ही इन देशों के बीच में हैं। बांग्लादेश के बीच में बात करूं तो 3 बीघा कॉरिडोर और शून्य रेखा, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। अब मैं चर्चा करता हूं कम सीमा की, कम सीमा भारत की किस में किसके साथ है, तो स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के साथ में भारत की मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगती है। कई जगह आपको किताबों में 80 किलोमीटर भी मिल जाएगा, 106 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको छोड़ करके, क्योंकि जो सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ में है वो POK वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो उस क्षेत्र में है, तो उसको छोड़ के दूसरे नंबर पर कम किसके साथ में है, तो वो भूटान के साथ में है। दूसरे नंबर पर कम किसके साथ में है, भूटान के साथ में है, लगभग 587 किलोमीटर। आपके लिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, POK की राजधानी क्या है, POK की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि POK की राजधानी क्या है। अब देखिए भाई, जिस तरह से पीछे मैंने पूछा था कल वाले वीडियो में कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए, पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये कमेंट्स आए भाई, देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा
रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, जो प्रदूषण की समस्या है, सभी देश इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में बता दें आपको 172 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में 2002 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, 2002 में। तो यहाँ पहले पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और पृथ्वी को कैसे पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जाए, इस तरह की चीज़ों पर यहाँ डिस्कस हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। अब रियो डी जेनेरो किस देश में है, तो आपको बता देना है यह है ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील जो है स्टूडेंट्स, किस महाद्वीप का देश है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और ब्राज़ील की जो राजधानी पूछ ले तो ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया, न कि रियो डी, ये प्रसिद्ध शहर है इसका, ब्राज़ीलिया इसकी क्या है, राजधानी है। यहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है, 172 देशों ने भाग लिया, 1992 में होता है ये। नेक्स्ट देखें अभी क्या कहता है, क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो दो तरह से प्रश्न बनता है, बता दें आपको, देखिए भाई, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, तो विश्व स्तर के ऊपर पूछे कि भाई विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया यूएसए। क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए, यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए आपका आंसर हो जाएगा। और यदि भारतीय लेवल पर पूछ ले सिलिकॉन वैली भारत में, तो भारत में है आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये प्रश्न का लेवल आपको देखना है कि विश्व स्तर पर पूछ रहा है सिलिकॉन वैली या भारतीय स्तर पर पूछ रहा है सिलिकॉन वैली। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। अब देखें अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक तो सैयद अहमद खान। कब था, 1857 की क्रांति के पश्चात, की क्रांति के पश्चात, 1857 की क्रांति के पश्चात यह आंदोलन चला, और इसमें मुसलमानों की को जागरूक करने के लिए यह आंदोलन चला था। दूसरा प्रश्न है बांग्लादेश की स्थापना कब होती है, पहले भी आया है बांग्लादेश की स्थापना, तो स्टूडेंट्स बांग्लादेश की स्थापना होती है 1971 में, बांग्लादेश की स्थापना 1971 में होती है। और बताएंगे स्टूडेंट्स विश्व स्तर पर बांग्लादेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जो कि इसकी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी रही है शुरू से ही। तो ये दो प्रश्न आपको बताने हैं, एक तो क्वेश्चन पहला क्या बताना है आपको, पीओके की राजधानी क्या है, और दूसरा विश्व स्तर पर बांग्लादेश किसके उत्पादन में पहले नंबर पर है, ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। अब देखें सामान्य विज्ञान के प्रश्न में बताता हूँ, पहला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का क्या है, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु है स्टूडेंट्स, ये है आपकी सोडियम, सोडियम जो है स्टूडेंट्स इसको चाकू से काटा जा सकता है। चिकनगुनिया किसके काटने से होता है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किसके काटने से होता है, किसके काटने से होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका आसान क्वेश्चन है, थोड़ा हाँ डीपली बताएंगे इसके बारे में, मॉस्किटो, मॉस्किटो किसको बोलते हैं, मच्छर, मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर क्या है, एक परजीवी है, परजीवी है।
अब मच्छर का कई बार नाम आ जाता है कि मच्छर कौन सा, तो स्टूडेंट्स एक मच्छर है मादा एजिप्ट एडिस मच्छर। इसके काटने से तीन बीमारियां होती हैं, एक तो चिकन गुनिया, एक डेंगू और एक जिका वायरस। जिका ये तीन बीमारियों का आधार जो है वो मच्छर का है। और ये मच्छर बता दें आपको हमेशा स्वच्छ जल में पैदा होगा, स्वच्छ जल में। दूसरा दिन में काटेगा, दिन में काटेगा। तीसरा 2.5 फीट से यह ऊपर से फिट से ऊपर नहीं उड़ेगा, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो चिकनगुनिया फैलाता है यह। नेक्स्ट देखें, अनाज किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो काफ़ी रसायन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न जाता है, प्रतिबंधित किया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं ऑप्शन में, इसमें इसके क्लोरोडेन, क्लोरोडेन जो है इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, इस कारण से इसको प्रतिबंधित किया गया है कीटनाशक। नेक्स्ट देखें भाई, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है तो H2 हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है तो क्या आ जाएगा H2। नेक्स्ट है, कोलेरा किसके कारण होता है, विवीरियो कोलेरे, कोलेरा का कारण पूछा है, कोलेरा मतलब हेजा, इसको लिख लेते हैं हेजा, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है तो क्या आ जाएगा विवीरियो कोलेरे, विवीरियो कोलेरे, इसके कारण से जो है वो हेजा होता है। ये स्टूडेंट्स दूषित जल के माध्यम से यह फैलता है, विवीरियो कोलेरे के कारण से हेजा होता है। इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वोमिटिंग होती है, ये कुछ एक इसके ये लक्षण हैं स्टूडेंट्स हेजा के, उल्टी और दस्त लगते हैं। नेक्स्ट देखें, अनाज के फफूंद को दूर करने की विधि है प्रोपायोनिक, अनाज के फफूंद को, नया क्वेश्चन है ये, पहले नहीं आया था भाई। तो देखें, अनाज के फफूंद को दूर करने की विधि, अनाज के फफूंद को दूर करने की विधि तो कौन सी है, ये विधि है प्रोपायोनिक, परोपायनिक विधि से जो अनाज में फफूंद लगता है उस इस विधि से वह दूर हो जाता है। नेक्स्ट है, जहरीली गैस कौन सी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, जहरीली गैस तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कई बार स्टूडेंट्स जहरीली गैस एक और बता दें CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये जो है कैसी हैं स्टूडेंट्स, ये जहरीली गैसें हैं। नेक्स्ट है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया कौन सा बीमारी किससे, तो पीलिया किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। काफ़ी बार पहले भी प्रश्न आया है, यकृत का वजन 1000 से 1500, यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो हेप्टिक सेल्स होती हैं।
यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हेप्टोलॉजी यकृत के अध्ययन को कहा जाता है। टू स्टडी ऑफ लीवर अध्ययन इसका क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी इसका यकृत का अध्ययन होता है। और यकृत क्या रिलीज करता है? बाइल जूस या पितरस, पितरस यह रिलीज करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। तो देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हमारे पेट में भी होता है यह अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या है स्टूडेंट्स का सूत्र? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेवल बहुत ही, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स आसान रहने वाला है पेपर का। और आपको इससे ज़्यादा देखिए डीपली जाओगे तो चीज़ों के बारे में तो आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन आप आउट ऑफ लेवल चले जाओगे तो उसमें आपका एक आध परसेंट कटने का जो है खतरा रहता है। तो आपको लेवल के लेवल जो है आपका एग्जाम का उसके आर बाहर ही घूमना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र है? HCl इसका सूत्र है। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग मेथड। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? किस विधि से लगाया जाता है स्टूडेंट्स? कार्बन डेटिंग मेथड। क्या आंसर आ जाएगा? कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से कई बार पौधों की आयु पूछ लेता है, पौधों की आयु। तो स्टूडेंट्स पौधों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? वार्षिक वल्ले। क्या आंसर आ जाएगा? वार्षिक वल्ले से पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। और कार्बन डेटिंग मेथड से जो है कंकाल की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्यता की SI इकाई क्या है? मीटर है भाई। तरंग दैर्ध्यता की SI इकाई तो क्या है? SI इकाई मीटर है। सबसे कम तरंग दैर्ध्यता किस रंग की होती है? एक क्वेश्चन ये भी है, कम तरंग दैर्ध्यता किस रंग की होती है? किस रंग की होती है? तो प्रश्न का उत्तर है बैंगनी, बैंगनी की होती है, बैंगनी। और ज़्यादा किसकी होती है? लाल। ज़्यादा किसकी होती है? लाल की होती है। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका कोल गैस किसका मिश्रण है? तो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो कोल गैस किसका मिश्रण है? CO या कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है मिश्रण है कोल गैस। दूसरा क्वेश्चन है सबसे हल्का, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? पेनिट्रेट कौन सी होती हैं? गामा किरणें। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी है? यहाँ ले लेते हैं, भेदन क्षमता ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और भाई इसमें से कौन सा मिश्रण है? तो समुद्री नमक जो है वो मिश्रण है। ये था स्टूडेंट्स आपका साइंस वाला और सामान्य ज्ञान वाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।